मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 23 साल जिसके लिए मैं मरता रहा आज़ादी, आज वो दिन है आज़ादी का। यार आप लोग चुप रहो ना यार, बोलने दो उनको यार, यार भाई चुप, साइलेंस, नहीं मिल रहा है, ट्रांसफर ले लो, शांत रहो, साइलेंस प्लीज यार। मतलब 23 साल से जिसके लिए मैं, ये कह रहा हूँ कि 23 साल जिसके लिए मैं तरस रहा था वो आज़ादी है, उसके लिए मैंने हर चीज़ की, और वो दिन आज आ गया है आज़ादी का। और वो जो फीलिंग है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रजे पे आया हूँ, कोई फर्लो पे या पेरोल पे, और मुझे पता है थोड़ा वक्त लगेगा मुझे ये अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। और आज का दिन ऐसा है कि मैं अपने पिताजी की याद बहुत आ रही है मुझे। सो आई वाज जस्ट सेइंग इज दैट फॉर 23 इयर्स आई वाज वांटिंग टू बी अ फ्री मैन, आई वांटेड टू टेस्ट फ्रीडम, एंड फाइनली द डे हैज कम टुडे वेयर आई वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन, बट इट्स नॉट सिंकिंग इन मी। I feel that I'm on furlough or on payroll leave or something, but I know I'll come to terms with it. I mean, just to be free is the most amazing feeling, I think. I miss my father today. My father, if he was alive, he would have been the most happy person, because his only fight was to see his son free. And I can say, Dad, I'm free today. And I love you. देखिए, ये धरती माँ, ये मेरी माँ है। मैं हिंदुस्तान की धरती को प्यार करता हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ और यहीं मरूँगा, और वो तिरंगा मेरी ज़िंदगी है, और मैं इस देश का नागरिक हूँ, एंड आई एम प्राउड टू बी अ इंडियन। तो इसीलिए मैंने अपनी सज़ा काटी, और काट के जब मैं सज़ा काट के बाहर आया तो मैं अपनी धरती को मैंने ज़रूर चूमा और उस तिरंगे को सलूट किया। ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो बाबा एक सवाल ये में यूज किया जाएगा, इंडी को ने जब इंटरव्यू हमें दिया उसने कहा था कि जब सजा सुनाई गई तो आपने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझ पर लगा जो टेररिस्ट का टैग है उसको क्लियर कीजिए, क्या मैं हूँ या नहीं, और सजा देते वक्त उन्होंने कहा कि आप टेररिस्ट नहीं है। आज सजा खत्म हो गई है, उन्होंने उस समय कहा था, क्या फीलिंग है उस समय पर आपकी? देखिए, उस समय जो ऑनरेबल जज कोडे साहब ने जो कहा था कि तुम ये सुनना चाहते हो कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, तो ये कोर्ट कहती है कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए नहीं थी। उस दिन भी मेरे अगर पिताजी ज़िंदा होते तो वो आदमी वो सुनने के लिए बेताब था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इंडोर्स किया, और जो सज़ा उन्होंने दी मैंने वो सज़ा काट के आया हूँ। आप बाहर आए सिद्धि विनायक गए, उसके बाद आप अपनी वालदा की कब्र पर गए जी, तो वहाँ पर उस वक्त जहन में क्या चल रहा था जब आप अपनी वालदा की कब्र के पास थे? मेरी जहन में यह चल रहा था कि मेरी माँ हम सबको छोटा छोड़ के चली गई थी, और कैंसर की बीमारी थी उनकी, और ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनकी कब्र पर जाके कहूँ कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ, वो खुश होंगी। You spent a fair amount of time with ordinary regular convicts in prison. Have you had the time to reflect upon the criticism that perhaps your celebrity status somehow allowed for you to access something that is available as per rules, early remission, but many convicts who have been convicted of a lesser term haven't been able to avail of remission of their prison sentence? See, I think it's a misconcept. I mean, because me being a celebrity status, I was not allowed to do many things. I mean, a common person yet gets everything, but I didn't get what I deserve, actually. You're saying it went against you, you're being a celebrity? Maybe in some ways it did, some ways it didn't. But the fact that you were able to get...
कल रात को मैं सोया नहीं, ना मैंने चार दिन से कुछ खाना भी खाया है। और यही सोच के कि मैं ये गेट से बाहर जाऊंगा और मेरी फैमिली के साथ फिर जुड़ूंगा और हमेशा के लिए मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। तो वो फीलिंग, वो एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ आई थिंक हर कैदी को ऐसा होता है। संजू मान्यता एक पिलर की तरह खड़ी रही बच्चों के साथ और हर वक्त आज भी आपको लेने गई। एक शादी करता है इंसान, उसका बेटर हाफ उसकी लाइफ का सबसे बड़ा पिलर होता है, आप क्या कहेंगे? ये मेरा बेस्ट हाफ है, बेटर भी नहीं है। और आई थिंक मैं कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता हूँ, लेकिन ये एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। जब भी मैं थोड़ा गिरता हूँ उठा के मुझे पकड़ के सीधा कर देती है। आपसे सब पूछ रहे हैं कि सफर आपका जो है अब खत्म हुआ, अब एक नई सेकंड इनिंग है। आपने अपनी पत्नी से पूछा, आपने मान्यता से पूछा, इनका भी सफर खत्म हुआ, एक्चुअली इनकी भी 5 साल की पूरी सफरिंग थी। मेरे हिसाब से जितनी सफरिंग इनकी थी मेरी उनसे कम थी। आई मीन दो बच्चों को पालना, हर चीज का मतलब डिसीजन लेना, मैं तो फिर भी अंदर था जेल के, मुझे वहाँ रोटी दाल सब्जी मिल जाती थी। लेकिन इन्होंने जो सहा है, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कोई जिंदगी ना। बाबा आज ऐसे सेलिब्रिटी ने, बाबा आज ऐसे सेलिब्रिटी ने जेल के अंदर मेहनत करके 440 रुपए कमाए, उन पैसों की कितनी अहमियत आप रखते हैं? बहुत अहमियत रखता हूँ। और वो पैसे मैंने एज अ गुड हस्बैंड मेरी वाइफ को दिए। कमाई में All I can say is God bless them. And I love them. Baba, Sanjay, how has the jail term changed you as a person? Sanjay, how has the jail term changed you as a person? Sanjay, how has the jail term changed you as a person? Has it changed you as a person? Is there a change that you've seen yourself? One at a time, yeah. One at a time. Everybody's asking. Baba, what's your question? Baba, one question. When you came out of jail, it was the first shot in your biopic. And today, your work has been started. आपकी सेकेंड इनिंग की आपके ऊपर बायोपिक बन रही है, किस तरीके से इसे देखेंगे और कितना सब कुछ लोग जान पाएंगे संजय दत्त के बारे में जितना हम सभी आपको देखते आए हैं? सबसे पहले यार मुझे ये, अभी आप बोल रहे हो कि मेरा कुछ शूटिंग हुई है लेकिन उसके लिए मुझे साइनिंग अमाउंट नहीं दिया राजू ने। बाबा बहुत सारे आम लोगों को, बाबा बहुत सारे There are two things I'm looking forward to. Is one is spending a lot of time with my family and my kids, and most of all is my work. Actually, Baba, I want to get back. Baba, ऐसे बहुत सारे लोगों को, बाबा ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि, बाबा बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटी होने की वजह से जो है आपने कोई अंदर मशक्कत नहीं की, क्या आप ऐसे लोगों को बताएंगे कि जेल के अंदर कितनी मेहनत आपने की, कितना कष्ट आपने उठाया? बहुत सारे लोगों को लगता है सेलिब्रिटी है तो शायद वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। आप पेपर का काम मैंने बहुत किया, और अगर आप चाहो, अगर आपके पास प्लास्टिक बैग नहीं हो तो मैं पेपर बैग बना के दे सकता हूँ। बाबा रेडियो जॉकी, आप रेडियो जॉकी भी बने थे तो I had tea. बाबा आप रेडियो जॉकी भी बने थे तो वो क्या था जरा बताएं जरा एक बार आप मुझे प्लीज। आराम से आप रेडियो जॉकी का भी एक सेकंड वो मतलब के जेल डिपार्टमेंट ने और इन लोगों ने तय किया था कि वहाँ एक सर्टन टाइम पे गाने बजेंगे और ये सब होगा। Oh, sweet.
वहाँ हम लोग 11 बजे से लेके 4 बजे तक रेडियो बजाते हैं और वहाँ डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं, सुधारना पुनर्वसन के बारे में भी बहुत बातें करते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात किया, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात किया, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है वो, क्योंकि इंटरटेनमेंट के साथ साथ एक मैसेज भी होता है कैदियों के लिए, और जितना मेरे में हो सका मैंने किया। राइट नाउ इट्स वेरी अर्ली इन न्यूयॉर्क सिटी, बट आई एम गोना स्पीक। I'm yet writing there is a bio tag made on you, Ranbir Kapoor will be playing your character, what do you have to say about it? Baba, I love him, he'll do a good job. One second, sir, how do you see your biopic being made? One at a time, yeah. Yeah, yeah. One strength or weakness that you learned of yours? You can't be weak there. It only has to be strength, and you have to get it from God. You have to get it from your conviction. You have to get it from your character. Baba, this one jail guy would do it for me. Mishra ji. His name is Mishra ji. Baba, Mishra ji has always been standing in Bollywood. Today, Salman Khan's security bouncers are here. Shera's bouncers are here. इस तरह का सपोर्ट देख के आपको क्या लगता है, हमेशा एक गुड फीलिंग्स आती है आपके अंदर? सलमान मेरा छोटा भाई है, वो हमेशा रहेगा, और उसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो अब इससे भी बड़ा स्टार बने और उसके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो। देखिए, आई मीन जेल के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, इज्जत दी, मैं आभारी हूँ। जेल के सिपाही वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जेल का, मतलब कि उनका जो काम है वो आर्मी से भी ज़्यादा सख्त काम होता है, और वो ही जेल संभालते हैं, और वो रक्षक होते हैं वो, तो मतलब उनका काम है एक कैदी का मतलब उसको संभालना। दोस्त भी बहुत बने, रेडियो के जितने भी थे वहाँ पे, समीर हिंगले करके हैं, सागर है, जीशान कुरेशी, नरेंद्र भाई, गोटिया मामा, ये जितने भी थे, मतलब के भाई से भी बढ़कर, क्योंकि उन्होंने प्यार और इज्जत इतनी दी मुझे। बाबा, जो आपने कागज की बैग्स बनाई और जो भी वहाँ पे ऐसे सामान बनाए, क्या उनको आपने वहाँ से एक आध बैग से एक आध ऐसी चीजें जो आपने बनाई हुई है खुद अपने हाथ से, वो आप घर पे लेके आए? यार वहाँ से अलाउ नहीं करते, वहाँ एक शोरूम है जहाँ वो जेल का जो भी जेल में बना है वो चीजें बेचते हैं वो लोग। तो आपने यार आइडिया अच्छा दिया, मैं किसी को भेज कर 2-3 बैग ले लूँगा। आप छुट्टी पे जाएंगे मानने पर, बच्चों को लेकर आप पहला काम वो करेंगे? अबे वो बॉस से पूछना पड़ेगा क्योंकि पैसे तो एक हमारे हैं आजकल। पता नहीं यार, आज ही आए बच्चों के साथ, जैसा उन्होंने कहा कि आपने ज्यादा सफर किया है, तो आप कुछ कहेंगे? पहला जो रिएक्शन, जो कुछ भी आप शेयर करना चाहें, थोड़ा माइक के पास। इट्स वेरी इमोशनल मोमेंट है। I don't know when so much to speak, you just can't speak. So now to feel there's so much in my heart, and I think I will need some space and some time to come back to terms that he's back home. And I don't know if he says that I have suffered, but not like him. But every time I would go to meet him, and I had a lot of zillion tensions to narrate to him and tell him this is what I'm going through. But when I would see him there, and I remember the first mulaqat when I went to see him,
And he said, Mom, that's what he calls me. He said, Mom, in my school, I've learned one thing. It's my motto, never give in. I said, I will survive, you survive outside. I said, that's how we have to sail through. So तो मैं अभी जाऊं अपनी फैमिली के साथ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी रिक्वेस्ट मानेंगे मैं बहुत आभारी रहूंगा एंड आई बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूं, मैं अपने टाडा कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकला था बॉम्ब ब्लास्ट केस से, उसकी कॉन्स्पिरेसी से, टाडा से। मैं आर्म्स एक्ट में कन्विक्ट हुआ हूँ और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेक्शन 120 बी ऑफ कॉन्स्पिरेसी से मैं बाइज्जत बरी हूँ, टाडा के जितने भी चार्जेस हैं उससे बाइज्जत बरी हूँ और सिर्फ आर्म्स एक्ट में मुझे सज़ा लगी है। तो मैं प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी आप प्रेस में कुछ बोलें आप मेरे बारे में अगर कई केस के, तो डोंट मेंशन 93 बॉम्ब ब्लास्ट केस बिकॉज आई एम नॉट इनटू इट। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू।